जो हैं बेसिकली यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को पढ़ रहे थे अपने प्रीवियस टॉपिक्स में। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जो से थे वो बेसिकली पांच थे। नंबर वन थे जी परसेंटेज कंपोजिशन, वो हम अपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं। दूसरा था जी मोलैरिटी, जो कि होती है नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। एंड नंबर थ्री वाज दी मोलैलिटी, जो कि क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये तीन जो हैं हम अपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द मोल फ्रैक्शन एंड नंबर फोर थी ये, और नंबर फाइव है जी ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो आज के टॉपिक में हम ये दो कंसंट्रेशन के यूनिट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या होती है? मोल फ्रैक्शन ये जो कंसंट्रेशन का यूनिट है, ये जो सा है आपके पास ज़्यादातर उन जगहों पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर क्या होता है, आपके पास कंपोनेंट्स जो उनसे होते हैं, कंपोनेंट्स आर मोर देन टू। क्योंकि अभी तक जितनी भी एग्जांपल हमने स्टडी की वो तमाम की तमाम बाइनरी सॉल्यूशंस थे। बाइनरी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है? जिसके अंदर दो कंपोनेंट हों, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। जैसे कि ग्लूकोज का वाटर में सॉल्यूशन था, सुक्रोज का वाटर में सॉल्यूशन था, H2SO4 का वाटर में सॉल्यूशन था। तो ऑल दो सॉल्यूशंस वर बाइनरी सॉल्यूशंस, दो दो के सॉल्यूशंस थे। अब आपके पास मोल फ्रैक्शन का जो यूनिट होता है ये उस वक्त इस्तेमाल में आता है जब हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जो सॉल्यूशन के वो मोर देन टू हो। अब मोल फ्रैक्शन होती क्या है? ये बेसिकली आप इसको इस तरह से समझें कि मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास डब्बा है, इसके अंदर पेंसिल्स मौजूद हैं। तीन कलर की पेंसिल्स हो सकती हैं, ब्लैक, ब्लू एंड रेड फॉर एग्जांपल। तो इस डब्बे के अंदर ब्लैक की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, या ब्लैक की परसेंटेज क्या है, या ब्लैक की फ्रैक्शन कितनी है, या ब्लू की फ्रैक्शन कितनी है, या रेड की फ्रैक्शन कितनी है, वो कैसे निकलती है? वो ऐसे निकलती है कि टोटल अगर मेरे पास 100 पेंसिल है और ब्लैक उसमें से 20 पेंसिल है, तो टोटल क्या होती है, तमाम रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। तो इस तरह से मेरे पास एक फ्रैक्शन निकल आती है इस ब्लैक की, कि ओवरऑल ओवरऑल सिस्टम के अंदर इस ब्लैक पेंसिल्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है, इसी तरह ब्लू की और इसी तरह रेड की। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर तीन कंपोनेंट ए बी और सी हैं, तो उनकी जो मोल फ्रैक्शन है वो ये बताएगी कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो कितने परसेंट रोल को प्ले कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे सिस्टम में ए बी और सी जो से थे ये मिले और इन्होंने एक सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इस सॉल्यूशन के अंदर वो एन ए है। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन ए इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट, एंड एन सी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट्स। तो अब मुझे इनकी मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन को आप एक्स से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्मॉल एक्स। एक्स ए चाहिए, एक्स बी चाहिए और एक्स सी चाहिए। ए की मोल फ्रैक्शन, बी की मोल फ्रैक्शन और सी की मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो एक्स ए क्या होगी कि नंबर ऑफ मोल्स जो ए के हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो हैं जी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ये मेरे पास फार्मूला आ गया किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट का।
अब मुझे बी कंपोनेंट की एक्स चाहिए, बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं बी कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स लूँगा एन बी और डिवाइड कर दूंगा इसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो मेरे पास एक्स बी निकल आएगी बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन। और सिमिलरली अगर मुझे एक्स ऑफ सी चाहिए तो ये बराबर होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी के बराबर होंगे। तो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग आउट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ए बी एंड सी। अब यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट भी है जो आपने याद रखनी है, वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जितनी भी मौजूद हैं उन सब को जब मैं जमा कर लूँगा तो वो मेरे पास वन के इक्वल आएंगी। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का मतलब हमेशा पॉइंट्स में आंसर होगा, और अगर एक कंपोनेंट के मेरे पास ए बी और सी मौजूद हैं और इन तमाम की मोल फ्रैक्शंस को जब मैं जमा करूँगा तो आंसर मेरे पास वन आएगा। और समटाइम्स हम क्या करते हैं, इसकी मोल फ्रैक्शन को, ये जो एक्स ए है, एक्स बी और एक्स सी, इनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास किस में आंसर आ जाए, मोल परसेंट में। फ्रैक्शन से हमारे पास वो चीज़ चेंज हो जाती है मोल परसेंट के अंदर, मोल परसेंट ऑफ ए, मोल परसेंट ऑफ बी और मोल परसेंट ऑफ सी। तो ये जो उनसे एक्स ए और बी और सी हैं, दीज इन सब का सम किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपको जो सा है वो ज़्यादा आसानी से जो है वो समझ आ जाएगा। आपके बुक की एग्जाम्पल नंबर 4, वेरी इजी, बट आपका कॉन्सेप्ट जो है मोल फ्रैक्शन का वो डेवलप कर देगी। वो कहता है जी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंट। अब वो क्या कह रहा है, दो चीज़ें मांग रहा है। रिक्वायर्ड वाले पोर्शन में हम लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन चाहिए उसको तमाम कंपोनेंट्स की, और उसको क्या चाहिए, मोल परसेंट भी चाहिए। अब कंपोनेंट्स कौन से हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो कहते हैं जी तीन कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के अंदर। पहला है जी 92 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल होता है जी C2H5OH। दूसरा कंपोनेंट है जी 96 ग्राम्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH। और तीसरा कंपोनेंट है जी 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, जो कि होता है H2O। अब मोल फ्रैक्शन हमें चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या थी, एक्स ऑफ C2H5OH, यही चाहिए पहले। ये किसके बराबर होगी, एन ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय एन ऑफ C2H5OH प्लस एन ऑफ CH3OH प्लस एन ऑफ H2O। यही थी ना जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो एक्स ऑफ ए निकालने के लिए हमारे पास, एक्स ऑफ अल्कोहल निकालने के लिए हमारे पास उसके अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स और तीनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो बराबर होता है जी मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय दी मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो पता ये चला कि हमें इन तीनों के मोलर मैसेस भी चाहिए होंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो हम पहले यहाँ पे इनके मोलर मैसेस जो उनसे हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 5
प्लस ओ एच, ओ एच में 16 है और प्लस 1 हाइड्रोजन का। तो इस सब को जब मैं जमा करूँगा तो मेरे पास C2H5OH का आ जाएगा जी 46। सिमिलरली CH3OH जो अगला कंपोनेंट है, इसके अंदर एक कार्बन है 12 × 1, हाइड्रोजन 4 हैं, 3 और 1 4, तो 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन 1 है जो कि क्या है 16। तो 12 + 4 = 16 + 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 32। और वाटर का आपको पता है 18 होता है, 1 × 2 हाइड्रोजन 2 हैं प्लस 16 × 1, तो ये 16 × 2 = 18। अब ये तीनों मेरे पास आ गए, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने लगा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ C2H5OH दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। मास इसका आपको जो है वो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, दैट इज 92, और इसका मास आपने निकाला मोलर मास 46। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल जो थे इथाइल अल्कोहल, वो आ गए 2 मोल्स। अब मैं जाता हूँ एन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ये है जी मास ऑफ द सब्सटेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 96, और इसका आपने निकाला ये 32 मोलर मास। यहाँ से आपके पास इसके आ गए 3 मोल्स। लास्ट में हमें वाटर के मोल्स चाहिए जो कि हैं जी एन ऑफ H2O। मास ऑफ द सब्सटेंस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है 90, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 18 है, ये आपके पास गिवन है। तो हमारे पास 5 मोल्स निकल आए किसके, एन ऑफ H2O के। अब हमारे पास चूंकि तमाम के तमाम नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, तो हम अब इनकी फॉर्मूले जो उनसे हैं इस्तेमाल करके हम अपनी मोल फ्रैक्शंस जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा हूँ एन ऑफ C2H5OH दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स, एन ऑफ CH3OH इज इक्वल टू 3 मोल्स, एंड एन ऑफ H2O इज इक्वल टू दी 5 मोल्स। अब मुझे चाहिए एक्स ऑफ C2H5OH, इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, C2H5OH के नंबर ऑफ मोल से 2, CH3OH के नंबर ऑफ मोल से 3, और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स थे 5। पहला पार्ट है जी हमें X चाहिए C2H5OH का। X ऑफ C2H5OH किसके बराबर होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि क्या होंगे, C2H5OH प्लस CH3OH प्लस एन ऑफ H2O, ये किसके बराबर आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल थे 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 2 प्लस मिथाइल अल्कोहल 3 प्लस हाइड्रोजन 5, वाटर के 5। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2/10, और आपके पास इसका आंसर आया 0.2। तो ये आपके पास एक्स निकल आई पहले कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल की। नंबर 2 जो कि है जी एक्स ऑफ CH3OH, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय सबके एन को जमा कर दूंगा, C2H5OH प्लस एन ऑफ CH3OH प्लस एन ऑफ H2O, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और वाटर। एन ऑफ CH3OH था जी 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 5, तो 3/10 इज इक्वल टू 0.3। ये दूसरी मोल फ्रैक्शन निकल आई। थर्ड मोल फ्रैक्शन है जी हमारे पास वाटर की, तो इसका फॉर्मूला होगा एन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इन सब के एन का सम,
इथाइल अल्कोहल का हो गया CH3OH मिथाइल अल्कोहल प्लस में वाटर, ये था जी NOH2O5। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.5। तो ये हमारे पास पहला काम निकल आया, मोल फ्रैक्शंस हमने निकालनी, एक्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, एक्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड एक्स ऑफ H2O, जो कि 0.2, 0.3 और 0.5 निकल आई। ये पहला पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्या था कि अब हमें चाहिए मोल परसेंट्स। मोल परसेंट में हम क्या करते थे, मोल परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH वो बराबर होगी एक्स ऑफ C2H5OH को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही पढ़ा था, एक्स ऑफ C2H5OH आपने निकाली वो थी 0.2, और जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगी तो मोल परसेंट इसकी निकल आएगी 20। सिमिलरली मोल परसेंट हम निकालेंगे मिथाइल अल्कोहल की। मिथाइल अल्कोहल की मोल परसेंट के लिए उसकी मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी मोल फ्रैक्शन 0.3 थी, 100 से मल्टीप्लाई होके 30 उसका आंसर निकल आएगा। सिमिलरली मोल परसेंट ऑफ वाटर, तो ये होगी जी एक्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन को मैं उस 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.5 थी, 100 से मल्टीप्लाई होगी और 50 हो जाएगी। तो दीज थ्री आर दी आंसर्स जो कि हमसे मांगे गए थे। हमसे दो चीज़ें मांगी थी, एक्स निकालो सारे कंपोनेंट का, वो हमने पहले निकाला, और फिर इनकी मोल परसेंट्स निकालो, जो कि ये हमने निकाल दी हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, और हमने उसका तरीका देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इस तरीके से हम जो है वो निकाल देते हैं। फिर वो कहता है जी आपके पास के अगर आपके पास तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो ए बी और सी हैं वो अगर हों, आर कंपोनेंट्स आर गैसेस, तो फिर फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। फिर हम एक्स ए एक्स बी और एक्स सी जो है वो किसी और टर्म्स में लेंगे, और वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो उनसे हैं वो उसके पार्शियल प्रेशर में चेंज हो जाएंगे। अगर आप थर्ड चैप्टर को रिकॉल करें तो हमने एन को पी के साथ एक लॉ में अल्टरनेट किया था कि गैसेस के केस में नंबर ऑफ मोल्स जो उनसे हैं वो पार्शियल प्रेशर के इक्विवेलेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर एक हमारे पास तीनों गैसेज हैं तो एक्स ए विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ई बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। सिमिलरली जैसे एन था, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो अगर गैसेज हैं तो फिर हम पार्शियल प्रेशर लेके उसको सोल्व करेंगे। एक्स बी के केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। सिमिलरली एक्स सी बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के। तो इन केस ऑफ गैसेज आपको पता होना चाहिए कि एन की जगह अब इसका फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर से इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन का टॉपिक। अब हम आखिरी एक कंपोनेंट, एक यूनिट की तरफ चलते हैं, जो कि पांचवा है, जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। दिस इज़ वेरी इजी कि अगर 1 मिलियन पार्ट्स का मतलब है, पार्ट्स पर मिलियन सिंपल पता लग रहा है कि 1 मिलियन अगर सॉल्यूशन का पार्ट हो तो उसके अंदर कितने पार्ट्स मौजूद हैं आपके सॉल्यूट के। तो इसकी डेफिनेशन है जी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ मिलियन पार्ट्स। सोल्यूशन, अगर मेरे पास सोल्यूशन के 10 लाख हिस्से हों, मिलियन हिस्से हों, 10^6 हिस्से हों, तो मेरे पास उसके अंदर सोल्यूट के कितने हिस्से मौजूद होंगे। तो ये वाली जो PPM जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त हमारे पास जो कंसंट्रेशन हैं वो वेरी लो हों। जब ये उस केस में आती है जब आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो तो आपने रिपोर्ट करना हो, तो फिर हम पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर बिलियन भी एक होती है उसमें भी हम समटाइम्स
रिपोर्ट करते हैं अपनी वैल्यू को। अब वेरी लो कंसंट्रेशंस के केस में जो है आपके पास ये वैल्यू इस्तेमाल होती है। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जी आपके पास पार्ट्स पर मिलियन का पीपीएम का मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। आपकी बुक में एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, वो इसी से रिलेटेड है, उसको स्टडी करते हैं। वो कहता है जी सी वाटर हैज़ 5.65 इंटू 10^ -3 ग्राम्स ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिजोल्व हुई होती है वाटर के अंदर इन 1 kg। तो दिस इज सोल्यूट 5.65 इंटू 10^-3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ सोल्यूट। और क्या है जी 1 kg ऑफ वाटर, ये हमारे पास है जी मास ऑफ सोल्यूशन। तो आपके पास पीपीएम का फॉर्मूला क्या था जी, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सी वाटर, तो 1000 ग्राम्स इंटू 10^6, जो कि आपके पास फॉर्मूले वाला है। तो इस सब को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 5.65 आपका आंसर आ जाएगा। कि हम कहेंगे जी वाटर के अंदर, समुंदर के 1 किलोग्राम पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन कितनी है, या समुंदर के अंदर ऑक्सीजन पानी में कितनी है, 5.65 ppm के मिलियन पार्ट्स के अंदर। अगर 10 लाख हिस्से हों पानी के, तो उसमें से 5.65 हिस्से जो हैं वो ऑक्सीजन उसके अंदर डिजोल्व हुई होगी। तो दिस वॉज द लास्ट वन यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन इन सोल्यूशंस। तो हमने 5 सोल्यूशंस की कैटेगरीज पढ़ी, परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर बिलियन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम इन यूनिट्स की आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे कि अगर एक चीज़ आ गई है तो दूसरे में कैसे जाना है, एक तीसरी चीज़ आ गई है तो चौथे में कैसे जाना है। तो उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन का ख़त्म हो जाता है।